हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे रागी लड्डू, या प्रोटीन लड्डू भी कह सकते हैं आप इसे। बहुत ही कम आइटम से हम इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले 1 कप रागी का आटा लिया है। यहाँ अच्छे से इसे पैन में 1 कप रागी आटा डालकर अच्छे से रोस्ट करेंगे, मीडियम से लो फ्लेम में। इसे जलने न दें, इसे घुमाते रहें इसी तरह, अच्छे से रोस्ट हो जाए ये। रोस्ट करके ही यूज़ करें, बिना रोस्ट करे यूज़ ना करें। अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसे अलग करके रख लेंगे एक प्लेट में। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप पीनट्स लिया है, मूंगफली जिसे कहते हैं, उसे भी अच्छे तरह रोस्ट करके उसे भी एक प्लेट में अलग से निकाल कर उसके ठंडा होने के बाद छिलके उतार लें। इसे मैंने इस तरह ठंडा कर लिया है और इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब एक जार में हम 1 कप पीनट्स जो हमने रोस्ट किया था वो, 1 कप डेट्स लेंगे, स्वीट डेट्स। इस तरह मैंने इसके बीज अलग कर लिए हैं और बीज से इसे कट करके 1 कप, जैसे कुछ 8 से 10 होंगे डेट्स, उसे मैंने काट के इस तरह अलग करके रख दिया है, इसमें डाल लिया। इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू, किशमिश या फिर बादाम डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल, ज़्यादा हैवी नहीं बनाया है, नॉर्मल बनाया है, बच्चों के लिए स्पेशली मैं बना रही हूँ। तो इस तरह ब्लेंड करने के बाद इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। तो आप अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें। उसके बाद ब्लेंड करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने रागी का आटा रोस्ट किया था, उसे पूरी तरह इसमें डालकर अच्छे से फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ मैंने रागी का आटा मिक्स करके भी उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एक बार। अब हम यहाँ पे उसे अच्छे से प्रेस करके लड्डू बनाएंगे। तो जब हम ज़ोरों से दबाएंगे उसे अच्छे से, तो उसमें से जो मूंगफली का जो ऑयल है वो बाहर निकलेगा और लड्डू का जो टेक्सचर है वो इस तरह रहेगा। तो देखिए इस तरह ऑयल निकल रहा है और लड्डू जो है बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरह मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो फाइनल जो है लड्डू का, लड्डू तैयार है। बहुत ही टेस्टी लड्डू है, हेल्दी है, स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने कोई ऑयल, शुगर कुछ भी ऐड नहीं किया है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स से ही मैंने इसे बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।